हेलो एवरीवन, वेलकम अल्पना वेज 9 किचन। और आज मैं आपको एकदम सुपर टेस्टी डोमिनोज स्टाइल वेज सैंडविच की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, जो इतनी चीज़ी और टेस्टी बनने वाली है, बस आप इसे देखते ही तुरंत बनाएंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये रेड कैप्सिकम और येलो कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम सबको काट ली, थोड़ा सा कैरेट भी काटा है, साथ में स्वीट कॉर्न और पनीर, सारी रंग बिरंगी को सब्जियों को ले लिया। और साथ में मैंने डाला है ये तंदूरी मयो और वाइट मयो, सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे, उसमें थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और थोड़ा सा चाट मसाला डाल दीजिए। आप ऑरिगेनो ना भी हो तो कोई आवश्यकता नहीं है, बस ऐसे ही बना सकते हैं। बस सारी सब्जियों को हम 1 से 2 मिनट तक डालेंगे, थोड़ा सा काला नमक भी डाल दें टेस्ट अकॉर्डिंग। फिर मैंने ये सिंपली वाइट ब्रेड लिया है और इस वाइट ब्रेड पर इसे मैम जो भी हमारी फिलिंग तैयार है रंग बिरंगी सब्जियों वाली, उसे डाल देंगे और ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा चीज़। 1 by 1 करके मैं जो सारी ब्रेड मैंने रखी है सबको मैं एक एक करके सारी फिलिंग्स उसमें भर लूँगी। और फिर बस इसे कुछ करना नहीं है, ये देखिए मैंने सारी फिलिंग भर ली इसमें भी। इसे आप बना लेना, तो आप गेस्ट आए तो ये बहुत ही इजी वे में बन जाता है जल्दी से, और फिर इसे बना लो तो फिर समोसा पकौड़ी किसी और की ज़रूरत है ही नहीं। बस गरम की थोड़ी सी बटर, और बटर के बाद फिर हम जो अपनी ब्रेड फिलिंग के साथ रखे हैं वो डाल देंगे। थोड़ा सा बटर हम ऊपर भी लगाएंगे ताकि अच्छे से हमारी ब्रेड जो है वो दोनों तरफ से टोस्ट हो और जो भी चीज़ है वो मेल्ट हो जाए अच्छे से। और बस फ्लिप करने के बाद हम थोड़ा सा इसे प्रेस कर देंगे कि अच्छे से हमारा चीज़ मेल्ट हो जाए, और फिर हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए प्लेट से ढक रख देंगे। और 2 से 3 मिनट बाद फिर हम प्लेट हटाएंगे और देखेंगे कितना ये सुपर चीज़ी जो हमारा सैंडविच है एकदम तैयार है। और फिर ये इसे हम अपने मनपसंद जो भी आप शेप में काटना चाहें काट सकते हैं, ना मन हो तो ना भी काटना, और ये ऐसे देखने में इतनी टेस्टी है खाने में, तो फिर इसका टेस्ट आप पूछे नहीं। आप मेरी इस रेसिपी को एक बार बना के ज़रूर देखें, आपको और आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। और जो हमारे पुराने ट्रेडिशन मेथड है ना कि गेस्ट आए तो कुछ पकौड़ी बनाओ, 6 समोसे बनाओ, इन सबको आप भूल जाएंगे और ये आप मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद करेंगे। बनाइए, खिलाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करिए, और हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।